हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम पंकज खांद्री जी की वीडियो रिकमेंडेशन है, टाटा स्टील चैलेंजर्स टूर्नामेंट के 12th राउंड की गेम, अभिमन्यु मिश्रा वर्सेस जर्गिस पेचेक। तो शुरू करता हूँ। यहाँ अभिमन्यु मिश्रा ने e4 के साथ शुरू किया था, जर्गिस ने यहाँ खेला e5, नाइट f3, नाइट c6, बिशप c4, नाइट f6, d3, बिशप c5, गुइक्यो पियानो c3 के साथ हुआ। d6 देन कैसल बाय वाइट, h6 देन रुक आया e1 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ जर्गस ने कैसल किया। नाइट एट बी गोज टू d2, देन बिशप आया b6 स्क्वायर पर, देन हुआ b4। इरादा क्या है बी पॉन आगे पुश करने का, माइट बी ए और फिर उसके बाद ए पॉन को बिशप तक पहुंचाने का। तो नाइट e7 पहले ही यहाँ ब्लैक ने किया है। पोजीशन यहाँ पर इक्वल है, जरूर सी पॉन आगे पुश होगा ताकि बिशप के लिए रास्ता खुल सके। तो अगर यहाँ ए पॉन आगे पुश होना शुरू हो जाए तो बिशप आया b3 स्क्वायर पर, देन c6, a4 एस ऑब्वियस, नाइट g6 यहाँ ब्लैक का मूव आया और नाइट के लिए सही आउटपोस्ट मिलने वाली है आफ्टर ऑल ब्लैक को। वेल, पहले खेला गया d4, देन हुआ d5, मेटल एक्शन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया। मान लेते हैं कि नाइट टेक c5 के लिए अगर वाइट जाता है तो थोड़ी सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, बिकॉज नाइट टेक c5 होगा, डी टेक c5 होने के बाद नाइट पर ज़रूर अटैक बन रहा है, लेकिन यहाँ से नाइट कहाँ जाकर परेशान करेगा वाइट को वो देखने वाली बात होगी नाइट जब g4 स्क्वायर पर जाएगा। तो खैर, यहाँ वाइट ने अपने ए पॉन को आगे पुश किया और मेटल एक्शन को ब्लैक के लिए ही छोड़ दिया है। तो ब्लैक ने पहले अपने बिशप को बचाया c7 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ वाइट ने e takes d5 किया, e takes d4, knight takes d4, knight takes d5, देन knight e4 स्क्वायर पर। और मैं कह सकता हूँ नाइट एक ठीक ठाक स्क्वायर पर आ चुका है। रुक e8 ब्लैक का मूव आया, देन हुआ h3 और यहाँ पर लेफ्ट को ओपन किया है। बिशप आया e5 स्क्वायर पर, देन रुक a2 और फ्रेंड्स रुक के a2 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ इस तरह का गेम प्ले तो क्लियर हो चुका है। बिशप टेक्स डी फोर और फ्रेंड्स बिशप टेक्स डी फोर होने के बाद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्वीन टेक्स डी फोर के मूव को और अपने रुक को अनडिफेंडेड छोड़, क्योंकि ऑब्वियस मूव ब्लैक का यही आएगा कि वो यहाँ एफ पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिस्टर्ब करेंगे। f5 नाइट पर अटैक होगा और हुआ भी यही, नाइट को कहाँ हटाए। यहाँ पर अभिमन्यु ने किया बिशप टेक्स h6 और डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी, अपना बिशप सेक्रीफाइस किया है। और क्यों किया है, g takes h6 का मतलब होगा नाइट की एंट्री, वो भी एक चेक के साथ, नाइट f6 चेक होगा, किंग f7 स्क्वायर पर ही जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगी यहाँ पर ब्लैक को। knight takes e8 आइदर rook takes e8 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला गेम हो जाएगा यहाँ से जर्गिस के लिए। तो जर्गिस ने डिसाइड किया कि वो अपने क्वीन को d7 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे, देन हुआ knight f6 चेक, उसके बावजूद भी किया गया g takes f6, नाइट सेक्रीफाइस आया है, rook takes e8 चेक, queen takes e8, देन queen takes f6 और यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि फोर्सफुली यहाँ जर्गिस ने क्वीन एक्सचेंज कराई। किस तरह से, पहले तो एक चेक दी, जब किंग h2 स्क्वायर पर गया तो queen e5 चेक और यहाँ फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज करनी ही पड़ी, queen takes e5, knight takes e5, देन रुक आया e2 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट पर अटैक है। तो ये नाइट कहाँ जाए, आई थिंक d3 स्क्वायर बुरा तो नहीं है, शायद बेटर भी होता, लेकिन ये नाइट यहाँ से गया f7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना और बिशप के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल है, आई डोंट थिंक सो। तो पहले यहाँ पर खेला गया bishop takes d5, उसी नाइट को पिन किया और मेटल एक्शन कंप्लीट होने के बाद c takes d5 होने के बाद rook e8 चेक आया, किंग जब h7 स्क्वायर पर गया उसके बाद वाइट ने अपने बिशप को लिया f4 स्क्वायर पर। ऐसा करने के साथ ब्लैक के साथ इश्यूज आ चुके हैं कि वो यहाँ मेटेरियल एक्शन नहीं कर पाएगा, कम से कम इत्मीनान से तो बिल्कुल भी नहीं। b5 के ऑप्शन को चुना ताकि ब्लैक अपने बिशप को b7 स्क्वायर पर ले जाकर अपने रुक पर डिफेंस कर सके और सभी पीसेस को गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सके, लेकिन यहाँ अभिमन्यु ने ए पॉन को आगे पुश किया, नाइट गया h8 स्क्वायर पर, देन king g3, किंग knight g6, बिशप पर अटैक, बिशप पहुंच गया d6 स्क्वायर पर, देन king g7, h4 तो किंग आया f7 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक था, रुक गया d8 स्क्वायर पर, देन हुआ f4 चेक और फ्रेंड्स f4 चेक होने के बाद अगर यहाँ किंग मूव होता है लाइट स्क्वायर्स पर तो प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो ऑब्वियस है बिशप टेक्स f4 करना ही होगा और उसके बाद नाइट f8 का मैन्यूवर, वो शायद इस रुक की इशू से
टैकल कर सकता था, लेकिन नाइट के e7 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ h5 और यहाँ एक h5 में एक पासर भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। नाइट गया c6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक पहुंच गया d6 स्क्वायर पर, वापस नाइट पर अटैक। नाइट गया e7 स्क्वायर पर, तो अभिमन्यु ने अपने रुक को वापस d8 स्क्वायर पर ले जाकर स्टेटस को मेंटेन किया। नाइट c6 दोबारा रुक पर अटैक बना, और यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि d5 पॉन लिया जा सकता है। एक बार जरा देखें, रुक टेक्स d5। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ कि अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स a6 करे, रुक d6 से नाइट और उसके बाद बिशप पर अटैक बनता है, लेकिन बिशप वापस आ जाएगा, तो ऑल इज वेल फ्रॉम ब्लैक साइड। शायद बेटर पोजिशन हो जाती, जितनी क्रैम्प्ड पोजिशन फिलहाल ब्लैक की है उससे तो निजात मिलती। रुक आया h8 स्क्वायर पर, किंग g7, रुक को हटाना पड़ा e8 स्क्वायर पर, किंग f7, फिर दोबारा ये रुक हटा h8 स्क्वायर पर। आई थिंक यहाँ रुक को h8 स्क्वायर पर ना हटाकर h पॉन को आगे पुश किया जा सकता था। किंग से रुक नहीं लिया जा सकता था क्योंकि फिर जी पॉन आगे पुश होगा और एक पॉन क्वीन आराम से प्रमोट हो सकता है। लेकिन चलते हैं गेम पर, रुक गया h8 स्क्वायर पर, किंग g7, ऐसा लगा दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए एग्री ना कर जाए। रुक h6 और फ्रेंड्स रुक के h6 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट और उसके बाद a6 पॉन दोनों पर अटैक और डिफेंस हो चुका है। नाइट या e7 स्क्वायर पर, देन किंग f3, बिशप f5, फाइनली ब्रिदर मिला जर्गस के यहाँ से। रुक आया d6 स्क्वायर पर और पॉन को अभी कोई थ्रेट नहीं है लेने की, तो किंग गया f7 स्क्वायर पर, सॉरी g4 बिशप पर अटैक। यहाँ से बिशप क्या चेक दे, आई डोंट थिंक बहुत स्ट्रांग मूव होता, लेकिन बिशप गया यहाँ से e6 स्क्वायर पर, बिशप e3, रुक f8, देन बिशप आया d4 स्क्वायर पर और डिस्कवर्ड चेक, अभी कोई एडवांटेज नहीं है डिस्कवर्ड चेक का। रुक आया g8 स्क्वायर पर और यहाँ कम से कम इस जी पॉन को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता, तो ब्लैक ने क्यों अपना एक मूव वेस्ट किया। तो एच पॉन पुश मुझे अभी भी कोई बुरा मूव तो नहीं लगता, लेकिन बिशप टेक्स a7, यहाँ पहले अभिमन्यु का मूव आया, बिशप टेक्स g4 विद चेक, किंग गया f4 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स h5, दो पॉन यहाँ व्हाइट को गवाने पड़े। f3, देन जिस तरह का मौका यहाँ ब्लैक को थोड़ा मिला है, शायद रुक एक्सचेंज के बारे में सोच सकते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ खेला गया रुक g3 और रुक के g3 स्क्वायर पर आने के बाद डायरेक्टली f3 पॉन पर अटैक है, नो यूज। यहाँ किंग टेक्स g3 का मतलब यही होगा नाइट f5 चेक फॉकिंग किंग एंड रुक, लेकिन यहाँ बिशप को d4 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया, रुक टेक्स f3 चेक, किंग गया g5 स्क्वायर पर, देन रुक f5 चेक, बिशप पर भी डिफेंस हो गया इस चेक के साथ, किंग गया h4 स्क्वायर पर, देन बिशप d1 a7 और फाइनली ये पॉन उस जगह पहुंचा दिया है जो क्वीन बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है, तो ब्लैक के ऊपर अब पूरा प्रेशर है। रुक h5 चेक, किंग गया g3 स्क्वायर पर, नाइट f5 चेक फॉकिंग किंग एंड रुक, वो पोजीशन यहाँ जर्गस ने अचीव कर ली। किंग गया g2 स्क्वायर पर, तो रुक g5 चेक, किंग गया f1 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स d6 और फाइनली वाइट ने अपनी क्वीन प्रमोट कर ली है, तो क्वीन बिशप के सामने रुक नाइट बिशप है फिलहाल इस एंड गेम में। नाइट आया e4 स्क्वायर पर, क्वीन b7 चेक, किंग g6, क्वीन टेक्स b5 और एक पॉन और एलिमिनेट कर दिया है, बी फाइल में एक पासर और निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिशप d3 और फ्रेंड्स बिशप के d3 स्क्वायर पर आने के बाद अगला मूव क्या होने वाला है, फॉक लगाने का है, लेकिन वो लगनी नहीं है क्योंकि चेक आई पहले क्वीन से। किंग गया f5 स्क्वायर पर, क्वीन f7 चेक, किंग गया g4 स्क्वायर पर, अभिमन्यु ने अपने किंग को मूव किया अब g2 स्क्वायर पर, और अब किंग के g2 स्क्वायर पर आने के बाद ओके पहले तो कुछ इस तरह की थ्रेट्स नजर आ रही थी, लेकिन हाँ अब क्या थ्रेट नजर आ रही है, यहाँ क्लियर है, ये ऑलमोस्ट चेक मेट ही हो जाएगी यहाँ पर ब्लैक को, तो रुक f5 ब्लैक के लिए मजबूरी बन चुका है। क्वीन गई e6 स्क्वायर पर और अभिमन्यु ने यहाँ इस रुक को फाइनली टैक्टिकली मैं कह सकता हूँ पिन कर दिया है, तो नाइट g5 यहाँ किया जा सकता था, क्वीन पर अटैक बनाओ, अपने किसी पीस को पिन मत रहने तो कम से कम इस सिचुएशन में, लेकिन बिशप के d1 स्क्वायर पर आने के बाद थ्रेट है कुछ इस तरह की, लेकिन वो यूजलेस हो जाती है जैसे ही बी पॉन आगे पर शुरू होता है। इवन चेस इंजन सेज दैट बिशप e2 खेला जा सकता था, लेकिन बी पॉन और एक कदम और आगे पुश हो जाता, बिशप f1 चेक होता, किंग g1, लेकिन बिशप a6 कोई बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग मूव तो नहीं लगता है यहाँ से। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर, यहाँ खेला गया नाइट g5, अब कहीं जाकर क्वीन पर अटैक बना, लेकिन अब थोड़ा लेट हो चुका है, नाइट इतना दूर पहुँच चुका है कि वो इस पॉन को
क्विन बनने से बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। तो उसी बात को देखते हुए अभिमन्यु मिश्रा ने यहाँ किया क्विंटेक्स F5 चेक, क्विन देकर रुक लिया यहाँ पर किंगटेक्स F5, देन हुआ B6, बिशप से चेक आई, नो यूज, किंग बच गया G1 स्क्वायर पर, देन नाइट आया E6 स्क्वायर पर, और कहीं भी ये नाइट चला जाए कम से कम अब ये पॉन क्विन बनने से नहीं रुक सकता। B7 हुआ, नाइट टेक्स B4, C takes B4 वॉज द फाइनल मूव फ्रॉम अभिमन्यु मिश्रा। और यहाँ इस मूव के बाद जर्गस ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन, पॉन प्रमोशन रुक ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।